हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक सॉन्ग करेंगे मोहित चौहान का गुंचा कोई। ये सॉन्ग मैं उन फ्रेंड्स के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ जो लोग अभी गिटार सीख रहे हैं और उनकी इच्छा रहती है कि हम लोग कुछ कॉर्ड्स के साथ में कुछ बिगनिंग के कुछ गाने बजाए जो उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और थोड़ा सा एक मोटिवेट भी करेंगे उनको। बहुत ही ईजी है और ये गुंचा कोई मेरी पत्नी और वो फिल्म का गाना है। मैं आपको इसको सजेस्ट करता हूँ, इसमें हम लोग सिर्फ डाउन स्ट्रोक पे इसको सॉन्ग को कंप्लीट करेंगे, सिर्फ एक सिंगल सा डाउन स्ट्रोक और इसमें रिकॉर्ड यूज होंगे वो है डी मेजर, ए मेजर और जी मेजर। ठीक है, बहुत इजी सॉन्ग है, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले हम डी मेजर हो जाते हैं। डी मेजर के लिए हमको हमारी तीन फिंगर्स को यूज़ करना है। फर्स्ट फिंगर को फ्रेट नंबर टू, ये फ्रेट नंबर टू है, फ्रेट वन, फ्रेट टू। फ्रेट नंबर टू पे वन टू थ्री, थर्ड नंबर पे स्ट्रिंग पे रखना है। फिर ये मिडिल फिंगर को फर्स्ट नंबर की स्ट्रिंग पे और ये थर्ड फिंगर को हमने फ्रेट नंबर थ्री पे सेकेंड स्ट्रिंग पे रखना है। इसको मैं आपको प्रैक्टिस करने को बोलूँगा, इस तरीके से करें, को हटाए। यह प्रैक्टिस करने का तरीका कि बार बार इसको आप, ये जो इसकी नेक है इसको इस तरीके से पोजीशन करें कि जो थंब रहेगा ये आपको गाइड करेगा कि इसे कहाँ पे आपको पोजिशनिंग करना है। बस आपको सेकेंड फ्रेट पे और थर्ड फ्रेट पे कुछ बजाना है तो आप इस थंब को ठीक ये सेकंड फ्रेट के ऊपर लान दीजिए और दबाना नहीं इस थंब से किसी भी स्ट्रिंग को, बट इसको सिर्फ एक नेविगेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं कि अभी हम ये सेकंड फ्रेट पे है और ये दोनों फिंगर्स को हमने इस तरीके से लेना है यूज़ में और ये थर्ड फिंगर को यहाँ पे। अब ए मेजर के लिए सेकंड नंबर की फ्रेट पे आएंगे और इसमें नीचे से अगर हम देखते हैं तो वन टू थ्री फोर्थ नंबर की स्ट्रिंग से चालू करेंगे। इसमें हम या तो ये तीन फिंगर को यूज़ कर सकते हैं या फिर ये तीन फिंगर को यूज़ कर सकते हैं, छोटी वाली तीन फिंगर्स को, क्योंकि मेरी उंगलियां थोड़ी सी मोटी है। ठीक है, तो फिर मैं ये तीन फिंगर्स को यूज़ करता हूँ। ये तीनों को इस तरीके से प्लांट करना है इस पर, फ्रेट नंबर टू पे फोर थ्री टू अंदर दबाना है, पुश करना है इसे और ए मेजर बन जाएगा इससे। बहुत इजी, इसको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि हर बार आप जब भी इसको रखें तो ये फिंगर्स जो है वो बराबर अपनी पोजीशन ले। ठीक है, यहाँ दर्द होता है इनिशियल के 15 से 20 दिन, उसके बाद फिर ये यहाँ से पूरा थोड़ा सा कड़क हो जाता है, फिर आपको दिक्कत नहीं आती। और आखिरी कॉर्ड है जी मेजर। जी मेजर के लिए आपको इस तरीके से उंगलियों को अलग अलग कर लीजिए, ये दो उंगली अलग और ये नीचे वाली दोनों फिंगर्स अलग। और ठीक है, इसको आप थर्ड पे ले जाइए, थर्ड फ्रेट, और थर्ड फ्रेट पे नीचे वाली जो दो स्ट्रिंग्स है उसके ऊपर ये दो फिंगर्स होना चाहिए, नीचे वाली दो, इसको यहाँ थर्ड फ्रेट पे रखें इस तरीके से। और ये वाली जो अपर टू फिंगर्स है, फर्स्ट और मिडिल फिंगर, इसको आप फर्स्ट फिंगर को तो आप सेकेंड फ्रेट की नीचे से फिफ्थ स्ट्रिंग पे और इसको सबसे टॉप मोस्ट स्ट्रिंग पे, सिक्स स्ट्रिंग पे थर्ड पे मिडिल फिंगर पे और इसको पुश करें। अगेन इसको भी प्रैक्टिस करने का यही तरीका है, इसको धीरे से ओपन करें फिर इसको पोजीशन पे लेके जाए, फिर ओपन करें फिर पोजीशन पे लेके जाए। ये
ये पोजिशनिंग करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी इस कॉर्ड को पकड़ने के लिए। और जी में गाना करते हैं, कोई में थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर तेरे नाम कर दिया में थोड़ा सा नीचे आएगा, तो उस समय ए मेजर लगानी है। इस वीडियो में आपको एक फ़ायदा और मिल रहा है कि इसके अंदर आप न सिर्फ कॉर्ड डायरेक्ट पकड़ना सीख रहे बल्कि आप कॉर्ड को शिफ्ट करना भी इसी वीडियो में सीख जाएंगे सिंपल सॉन्ग के साथ में, कैसे कॉर्ड को ट्यूनिंग के साथ पूरा टाइमिंग के साथ में इसको हम स्विच करें, बदले एकदम से, चेंज करें। तो जैसे हमने पहले डी मेजर बजाया, गुंचा कोई तेरे कर दिया में फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, कर दिया खबर हुए उनके बगैर, बेखबर से हुए उनके बगैर, सुबह तेरी कर दिया गुंचा कोई। डी मेजर, ए मेजर, जी मेजर, ए मेजर और डी मेजर, बहुत ही सिंपल है, आराम से आप कर सकते हैं। कर दिया सिंपल जा कोई
आई होप इसमें अगर आपकी तरफ से कुछ सजेशन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं ये वीडियो कैसा बना रहा हूँ, क्या आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, क्या आपका कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ये आप मुझे ज़रूर लिखें। क्या इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है वो भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अगर आप अपना कुछ बना रहे हैं तो आप उसको शूट करें। मैं अभी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी अपना एक छोटा सा वीडियो बनाएं और उस वीडियो से आप खुद अपना फीडबैक देखें कि आप किस तरीके से इसे बजा पा रहे हैं। दूसरा, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो भी आप लाइक करें, तो ही आप लाइक करें तो आप शेयर करें और काफ़ी फ्रेंड्स को आप बताएं कि जिसमें आप कैसे बजा रहे हैं, या ये वीडियो किसी और की भी मदद कर सकते हैं, आप ज़रूर उसे बताएं। सो थैंक यू वेरी मच। और भी कुछ कॉर्ड्स इसी तरीके से हम सिंपल सॉन्ग्स के साथ सीखेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़े से बड़े लेवल के कॉर्ड्स करेंगे। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।